उस वक्त तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, लाशें डाल दी कमर में डांगे मार मार के पुलिस वाले ने। मैं उन्होंने पहचान लिया, मैं उन्होंने कहा भी ये कि बैठे जलसे जुलसे तो होंगे ही रहते ने, तो पता मैंने लग गया तू कौन है। उन्हें फिर एक सिर च भी कट मारी। उन्हें क्या फिर तेन याद ना ही रवे ते नाज़रीन, आज हमारी महफिल में मौजूद है हमारा ही एक भाई यानी हमारा हम वतन, जिसने आइंदा इलेक्शन में वोट का हक इस्तेमाल करना है यानी एक वोटर। और जुनैद साहब इलेक्शन तो अभी दूर की बात है, अभी तो ये जो जलसों की वार्ड निकल शुरू हो गई है ना जी, उसमें बड़ी दिहाड़ी लग रही है। अच्छा, सच्ची बात है, मैं तो कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। वाह, अगर बड़े बड़े लीडरों को शर्म नहीं आती तो फिर आम आदमी को क्यों आए। अरे वाह। और हर पार्टी ने जुनैद साहब हर मोहल्ले के अंदर एक ठेकेदार मुनअकद कर दिया है। हाँ जी, वो ठेकेदार जो है वो 2,000 रुपया भी बंदा दुकड़ी देते हैं। दुकड़ी 2,000 रुपया? अच्छा, जेब में डालो और निकलो। दुकड़ी देते हैं और कुकड़ी खिलाते हैं। हाँ जी, और जलसे में जाना होता है, वहां जाके बैठना ही है ना जी, 4 मिनट चलो, घर भी तो बंदा बीवी दी सोनी लेंदा है। अच्छा, आपको ये याद कैसे रहता है कि आप किस सियासी जमात के जलसे में हैं और यहाँ पे कौन से नारे लगा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता कि किसी और जलसे में जाके दूसरी जमात के और किसी और जलसे में उस जमात के नारे लगा दे? नहीं जुनैद साहब, हम आपके गौरी साहब की तरह पागल थोड़ी, हम शो देखते रहते हैं आपका। आया बंदा होता है पीटीआई का नारा, ये फिर भी जिए भुट्टो को ही लगा रहा। बंदा आया होता है नून लीग का नारा, जिए भुट्टो को ही लग रहा। भुट्टो देखो ना जरा। तो हमारे वहां पे तो एक तो जुनैद साहब, हम जब 2,000 रुपया पकड़ के जेब में डालते हैं तो हमें पता होता है किसे पकड़ा है। और दूसरा, वहां झंडे इतने होते हैं, हर पार्टी का ये काम होता है, वो झंडे हमें पकड़ा देते हैं, उसको भी लहराना होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। खाना भी साथ देते हैं? हाँ जी, खाना भी देते हैं। आप चले उधर, बल्कि मेरा ख्याल है आपको 2,000 नहीं देंगे, खाना ही देंगे, क्योंकि उन्होंने कहना है हजूर 2,000 आपने खाने में ही पूरा कर लेना, क्योंकि हर बंदे को पता है जब आप खाना खाते हैं तो उसका खाना खराब कर देते हैं। तो जुनैद जी उधर बस दिहाड़ियां लग रही हैं। देखे ना आप, तो ये रिवाज है और कई सालों से है, ये ऐसा ही होता है। तो मुझे भी दुकड़ी ही मिलेगी? हाँ जी, क्यों नहीं, आपको भी दुकड़ी मिलेगी, गिनती तो आपकी एक ही होगी ना पूरी। नहीं, लेकिन ये खाए पिएगा तो कुछ नहीं ना, इसको उसके पैसे दें फिर। नहीं, 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 वो इसकी जिम्मेदारी है, ये जाने और इसका मैदा जाने। उन्होंने तो दुकड़ी लगानी है ना, और उन्होंने खाने का लफाफा देना है। वैसे तो जाके आप ग्राउंड में मेहनत करें जुनैद साहब, दुकड़ी तो बेसिक अमाउंट है ना जी, वो अच्छा? तो मिलनी होती है। तो अगर आप तय कर लें हजूर मुझे झंडा भी पकड़ाए, लहराऊंगा भी सार, नारे भी लगाऊंगा, तो 1,500 बढ़ा भी देते हैं। अच्छा, अच्छा। फिर ऐसे नौजवान भी हैं जिन्होंने जाके स्टेज के आगे डांस करना होता है। मेरा मतलब है कि वो फिर जब लीडर देखता है कि यार इतनी पुरजोश ऑडियंस आई हुई है, तो जाहिर है उसका भी इनाम क्राम मिल ही जाता है। तो सो मतलब ये है जुनैद साहब कि यही होती हैं दिहाड़ियां लगाने वाली, इन्हीं दिनों में हमारी इनकम होती है वो फिर हम कर लेते हैं। उसके बाद तो आपको पता है जब हुकूमतें बन जाती हैं या टूट भज हो जाती है और बनावट दोबारा हो जाती है, उसके बाद या किस्मत या नसीब, मोया मर गया, इन लीडरों के सामने हमने झिक झिक करना है, या इन्होंने हमें मिलना है, या सलाम लेनी है, या सलाम का जवाब भी देना है, फिर तो ये जाने और प्रोटोकॉल जाने। देखो हुकूमत बन गई, फिर कौन सी वार्ड निकल पैसा, और भी कोई इनकम है जलसे में? हाँ जी, गड्डी अगर आप साथ ले जाएं आप लॉन्ग मार्च में, तो पंजू उसका भी है, 5,000। वो भी वहां पे आप पकड़ सकते हैं अगर आप कहें जी गड्डी लेके आऊंगा। तेरी बात सुनो, ये यसु पंजू करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं होती? तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम कौम के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो? वो जुनैद साहब पढ़े लिखे लीडर, इन नाम कराम, दुनिया जानती है उन लोगों को। हाँ जी, अगर उनको खरीदते हुए शर्म नहीं आती तो बिकने वाले गरीब आदमी को क्या शर्म है। यार उन लीडरों ने तो बाद में करप्शन करनी होती है, दौलत के अंबार इकट्ठे करने होते हैं, तुम अपनी आकबत दुकड़ी के लिए क्यों खराब करते हो? ओए आहो जुनैद जी, रब को भी पता ही है, मस्कीन माड़े ठुडे खाते फिरते हैं,
तो उन्होंने भी जो इकट्ठा करना है माल पानी ये वो इधर उधर जो बाल निकल करनी है पैसे की जो फ्रॉडबाजियां करके उन्होंने माल इकट्ठा करना है उसमें से अगर चार पैसे माड़े आदमी हमारे जैसे ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो नयान साहब कभी जुलूस में मार भी पड़ती है यानी लो एक ना दो यानी आगे से बड़ा जुलूस आ गया कोई ओ बाबू जी पुलिस पे आ गई एक जलसे में हमें। अच्छा ओ हाय 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 तो मार पड़ती फिर भी टुकड़ी मिलती है मैं जी टुकड़ी उस वक्त तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह लाशें डाल दी कमर में डांगे मार मार के पुलिस वाले ने मैं उन्हें पहचान लिया मैं उन्हें क्या भी है कि बैठे जलसे जुलसे तो होते ही रहते ने तो पता मैं लग गया तू कौन है ओने फिर एक सिर च भी कट मारी बंदा ते ओने क्या फिर तेन याद ना ही रवे ते अस्पताल में रहोड़ी भरजाई रो पिट के फारग हो गई उसने कहा ये तो गया रब जिंदगी देखो ना पहाड़ तक नजर आ रहा भी लिखे दुकड़ी अब मेरा मतलब है कि काम कारोबार कोई भी और रिस्क तो फिर होता ही है लूट भी खाई हुई है मगर ऐसा होता काम ही है जिन्हें दुकड़ी लेके जाना है उन्हें कद ली पुलिस ना डालाना है पिछों निकल भी जाते हैं हम लोग तो मगर ये है कि किसी वक्त थे चार भी जाते नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिए थिएटर को पूरी दुनिया में ना जी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुअस्सर मीडियम समझा जाता है परफॉर्मिंग आर्ट का।